लड्डू की मस्ती ट्रेन से ही स्टार्ट हो गई थी। ट्रेन में बहुत मजे किए, वहाँ पे डांस किया, वहाँ पे गाने हुए। हमारी ट्रिप की शुरुआत जलंधर से हुई। पहले हम लोग वहाँ वाघा बॉर्डर गए। वाघा बॉर्डर में जाके हम लोग ने पहली बार जो हमारा बॉर्डर है इंडिया का सबसे बिगेस्ट बॉर्डर वो हमने देखा। रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जा। अमृतसर में गोल्डन टेंपल का जो नाइट सीन था उसमें जो सबसे ज्यादा ऑसम चीज तो वही आए। अच्छे व्यूज थे वहाँ पे, मतलब कि सीधे होटल खुला और सामने हसीन वादियाँ एंड ऑल। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना। और सबसे ज्यादा मजा हम लोगों को आया एक रात में, पहली जो हमारी थी कैंपिंग की। उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई ऑब्वियसली हमको, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था और हम लोग इतनी हाइट पे थे कि वहाँ पे और कोई एड वगैरह भी नहीं पहुँच सकती थी, हम लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। पर उसमें भी जो हम लोगों ने इन्जॉय किया है, इतने ख़राब मौसम में, इतनी प्रॉब्लम्स में, बिना लाइट के जो हम लोगों ने इन्जॉय किया, वो मोमेंट्स मेरे लिए बेस्ट। हेलो मैक, इट्स अ रियली एडवेंचरस फलसफा। नेक्स्ट डे जब मौसम खुला, काफ़ी अच्छा मौसम था अगले दिन का, तो हम लोगों ने प्लान किया एज पर शेड्यूल चलने का और हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए गए। एंड बॉस क्या मज़ा आया वहाँ पे, जब आप करीब 100 फीट की हाइट पे होते हो, उल्टे लटके हुए और रिवर को क्रॉस कर रहे हो, वो जो एक्साइटमेंट है, एड्रेनलिन रश है, वो और कहीं नहीं मिल सकता आप लोगों को। पॉइंट पे गए ना, स्नो गिर रही थी वहाँ पे, आगे इतनी ज़्यादा बर्फ़ में, मतलब भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने आज तक बर्फ़ में खेला नहीं आज तक, वो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे गया, बर्फ़ से खेला, दोस्तों से बहुत इंजॉयमेंट किया, बर्फ़ से गोले बना के लोगों को मारे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। सारे टीचरों के साथ इंजॉय किया, सब ने काफ़ी सारा अप्रिशिएट किया वहाँ पे। सब पहली बात तो सब बहुत बहुत केयर के साथ हम लोग वहाँ पे थे, टीचरों ने काफ़ी ध्यान दिया, सब ने इन्जॉयमेंट किया। मतलब टीचर्स वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप स्टूडेंट है टीचर है, वहाँ पे मतलब सब लोग एज अ लाइक अ फ्रेंड, बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से थे हम लोग। थैंक यू कानपुर मैक, थैंक यू सो मच टू ऑल द फैकल्टी एंड टू ऑल, थैंक यू फॉर द ट्रिप। चाहूंगा ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। एंड थैंक यू मैक कानपुर के लिए, बहुत थैंकफुल हूँ मैक कानपुर के लिए, ऑल द फैकल्टीज एंड स्टाफ फॉर अरेंजिंग सच अ ग्रेट ट्रिप। आई वांट टू थैंक मैक कानपुर for giving me such experience this year and last year too, might be I should go next time.